नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी दुनिया भर में छवि एक ऐसे देश की है जो आतंक का पनाहगार है, आतंक को पालने वाला है और फिर भी खुद को पाक साफ बताने वाला है। नापाक पाकिस्तान, उसके राजनेताओं को भी हिंसा और अपराध से कितना लगाव है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के राजनेताओं के पास से भी हथियारों का जखीरा बरामद होता है। और राजनेताओं के पास मौजूद हथियारों में छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि उनकी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार होते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद आसिफ अली जरदारी के बारे में एक रिपोर्ट बताते हैं, उस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं जिसमें लिखा है कि जरदारी के पास मौजूद है 100 से ज्यादा हथियार। बेहद घातक हथियार रखते हैं आसिफ अली जरदारी। जरदारी के पास है प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा। AK-47 जर्मन G3 बैटल राइफल भी जरदारी के पास, MP5 सब मशीन गन, ऑस्ट्रियन ग्लॉक भी मौजूद, रूसी माकारोव पिस्तौल से लेकर तमाम शॉटगन्स रखते हैं जरदारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ही अपने पास ऐसे हथियारों का भंडार रखते हैं, बल्कि जब पाकिस्तान के सांसदों और विधायकों ने साल 2018 के लिए अपनी संपत्तियों की जो घोषणा की थी उसमें पाकिस्तान के संसद और प्रांतों की विधानसभा के कुल 99 ऐसे सदस्यों का नाम सामने आया था जिन्होंने अपने पास हथियार होने की जानकारी दी थी, लेकिन इनके विवरणों को छिपाने की भी कोशिश की गई थी। इन हथियारों की कीमत तो नहीं बताई गई, ना ही हथियार मिलने की सटीक जानकारी दी गई। सिर्फ या तो ये हथियार उपहार स्वरूप मिलने की बात की गई या फिर ये कह दिया कि ये हथियार तो उन्हें विरासत में मिले हैं, लेकिन सही से हथियारों के जखीरे का विवरण किसी भी सांसद या विधायक की तरफ से नहीं दिया गया। जरदारी ने हथियारों की संख्या की सटीक जानकारी भी नहीं दी और ये भी नहीं बताया कि आखिर किस तरह के हथियार उनके पास हैं। जरदारी ने अपने पास मौजूद हथियारों की कीमत 1,66,00,000 रुपए बताई। इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एक पूर्व विधायक ने बड़ी ही दिलचस्प बात बताई है। कहते हैं कि हथियार रखना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में संस्कृति का हिस्सा है। मेरे ही पास दर्जनों हथियार हैं लेकिन मैंने संपत्ति में कभी इसकी घोषणा नहीं की। उनके मुताबिक बहुत से लोग इसे अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी मानते हैं, लेकिन ये साहब हमें ये बताएं कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इतने घातक और खतरनाक हथियारों की जरूरत क्यों महसूस हुई, और अगर हर इंसान अपनी सुरक्षा खुद ही करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाएगा, तो फिर पाकिस्तान में कहां है कानून व्यवस्था, क्या करती है पाकिस्तान की पुलिस। और फिर जब ये विधायक और सांसद अपनी प्रॉपर्टी में इसकी घोषणा नहीं करते तो इसके लिए इनको सरकार या फिर कानून की तरफ से आड़े हाथों क्यों नहीं लिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा के विधायक के मुताबिक देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा हालात ऐसे हैं कि इन्हें रखने की जरूरत महसूस होती है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की हालत सच में क्या है।